ह्यूमाइस फ्लोट होता है पानी पे, सर, क्यों? क्योंकि उसमें गैस ट्रैप होता है और ये लाइट वेट है। ठीक। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती है? सर, सेडिमेंट्री रॉक सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स, मड और क्ले जब आपस में कंबाइन हो जाती है उससे बनती है एक रॉक जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रेड फोर्ट किस स्टोन से बना है? सर, रेड सैंडस्टोन। रेड सैंडस्टोन से। सर, ताजमहल? ताजमहल सर मार्बल। मार्बल से। क्वार्ट्जाइट मेटामॉर्फिक रॉक का टाइप है, ठीक है? सर, इसकी मुझे दो यूजेस बताइए। स्टैचूज में बनाने में यूज होता है और सम कंपोनेंट्स ऑफ क्वार्ट्ज बनाने में। वेरी गुड। अच्छा, सैंडस्टोन किस टाइप का रॉक है? सैंडस्टोन है, सेडिमेंटरी रॉक्स। मिनरल्स क्या होते हैं? फॉर मिनरल्स, नेचुरल बट नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन अर्थ। क्या मुझे तीन मेटल्स के नाम बता सकते हो? तीन मेटल्स कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। जिंक मेटल जो है ये किस ओर से निकलता है? कैलाइन। ठीक है। कोल की फॉर्मेशन बता सकते हो कैसे होती है? सर, जब जब प्लांट्स स्वैप्स में गिर जाते हैं और वो वहाँ पर डिके हो जाते होते हैं, फिर पीट में बदल के इंटेंस प्रेशर से बन जाती है कोल। ज्यादा प्रेशर और ज्यादा हीट की वजह से कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो वन थर्ड वर्ल्ड्स क्वांटिटी जो है कोल की, वो एशियन सॉइल में पाई जाती है और इंडिया में भी ये कोल पाया जाता है। ठीक है, मुझे इंडिया की दो जगहों के नाम बताइए जहाँ कोल पाया जाता है। मध्य प्रदेश और झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है? पेट्रोलियम सर, जब सी में प्लांट्स और एनिमल्स डिके हो जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके स्कल्टन से निकलते हैं पेट्रोलियम। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की क्या मुराद है? सर, नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज होने से बचाना। ओवर यूज होने से बचाना या एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, जो ह्यूमन एक्टिविटीज से एक्सप्लॉयट हो रहे नेचुरल रिसोर्सेज उनसे बचाना, उसको कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व करने की कुछ मेथड बता सकते हो आप, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं या इनके यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं? गैस स्टोव बंद रखने हैं सर, जब यूज में ना हो गैस स्टोव बंद रखने हैं, और हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उनको गुड कंडीशन में रखना चाहिए ताकि वो कम पेट्रोल इस्तेमाल करें, और ये वेस्टेज है रिसोर्सेज की वो मिनिमाइज करनी चाहिए उनकी माइनिंग के द्वारा, और हमें अल्टरनेटिव एनर्जी यूज करनी चाहिए। ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, और इंस्टेड ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम की जगह। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है।